मसक अली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, देश भर में भीषण गर्मी इन दिनों बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही ज़्यादातर लोग पसीने और पसीने से होने वाली बदबू से परेशान हो जाते हैं। खासकर गर्मी में ज़्यादातर लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जिससे घर, ऑफिस या कहीं भी वो बाहर हों तो खुद को फ्रेश फील कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम और डिओड्रेंट दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं? आइए आज यही जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या है बेसिक अंतर और इस्तेमाल के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन गर्मियों में रहता है। आपको बता दें कि डिओड्रेंट और परफ्यूम में सबसे बड़ा अंतर परफ्यूम एसेंस का है। जहां एक तरफ परफ्यूम में परफ्यूम एसेंस 25% तक होता है, वहीं दूसरी ओर डिओड्रेंट में परफ्यूम एसेंस सिर्फ 1-2% ही होता है। यही कारण है कि परफ्यूम एसेंस ज़्यादा होने की वजह से परफ्यूम ना सिर्फ डिओड्रेंट की तुलना में हार्ड होता है, बल्कि खुशबू के मामले में लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। जहां डिओड्रेंट की फ्रेग्रेंस 4 घंटों से ज़्यादा नहीं टिक पाती, वहीं परफ्यूम की खुशबू लगभग 12 घंटों तक बरकरार रहती है। कुछ कंपनियों के परफ्यूम इससे ज़्यादा समय तक खुशबू फैलाए रखते हैं। अब बात करेंगे सिर्फ परफ्यूम की। आपको बता दें कि परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये लंबे वक्त तक बरकरार रहती है, लेकिन ये बॉडी में पसीना होने पर बेअसर हो जाती है, इससे आपको फ्रेश फील नहीं होता। हालांकि इसकी खुशबू फिर भी बरकरार रहती है। आपको बता दें कि परफ्यूम में भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेट रहता है, ऐसे में इसे डायरेक्ट स्किन पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग परफ्यूम हमेशा बालों और कपड़ों पर ही स्प्रे करते हैं। बात करेंगे डिओड्रेंट की। वहीं डिओड्रेंट में एंटी परस्परेंट नाम का एक पदार्थ मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये शरीर के पसीने को सोख कर त्वचा को चिपचिपा होने से रोकता है। वहीं आप लंबे वक्त तक फ्रेश भी फील कर पाते हैं। डिओड्रेंट में कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा कम होती है, इसीलिए डिओड्रेंट की खुशबू स्किन पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। यही कारण है कि डिओड्रेंट को स्किन पर स्प्रे किया जाता है। आपको बता दें कि डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच कीमत का भी एक बड़ा अंतर होता है। आमतौर पर डिओड्रेंट काफ़ी कम दामों पर मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अभी हमने जाना कि डिओड्रेंट और परफ्यूम में क्या अंतर होता है, और गर्मी में, इस भीषण गर्मी में आपको डिओड्रेंट या परफ्यूम, इन दोनों में से क्या लगाना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसक अली को, और देखते रहें मसक अली। शुक्रिया।